नमस्कार खम्मागणी, राम राम। और आज हम पहुंचे हैं पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा की नगरी अजमेर में। बहस बीज बाजार का ये काफिला आज अजमेर पहुंचा है और ऐसे में आना सागर झील के इस किनारे पे आज बात होगी अजमेर शहर के स्थानीय मुद्दों की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ पार्टियों में माहौल है, और साथ ही जनता मांगेगी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड और जनता सवाल पूछेगी, जनप्रतिनिधियों को जवाब देने होंगे। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी जो जनता के बीच में रहेंगी, मैं चाहूंगी कि वो भी अपना परिचय दे। बिल्कुल हिमाद्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को नमस्कार, राम राम खम्मागणी। और आप देखिए कि अजमेर में हम पहुंचे और पिछली बार के चुनाव की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा में से 5 पर बीजेपी का कब्जा रहा, 2 पर कांग्रेस का और 1 पर निर्दलीय। अब ऐसे में देखिए कि चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, दोनों ताल ठोक रहे हैं कि हमारी जीत होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन जनता के भी कई सारे सवाल हैं। जनता के बीच में मैं मौजूद रहूंगी और जनता यहां से जो तीखे सवाल करेगी वहां मेरी सहयोगी हिमाद्री मौजूद जनप्रतिनिधियों से तमाम सवाल करेगी। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि यहां पर हमारा प्रोग्राम तो शुरू हो रहा है, इस बीच जो है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी कई सारे तीखे सवाल किए जाएंगे। और मैं आपके साथ खुशबू खान हूं। और आप देखिए कि इस दौरान देखिए बहस बीज बाजार का ये कारवा जब अजमेर में पहुंचा है तो यहां पर बहस बीज बाजार का एक ये जो कारवा है यहां पर देखिए कि इस दौरान सिर्फ जनप्रतिनिधि जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, यहां जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा और 5 साल का लेखा जोखा देना पड़ेगा। हिमाद्री आपसे आग्रह करती हूं कि जो जनप्रतिनिधि इस बीच हमारे मौजूद हैं उनको पोडियम पर आप बुलाएं। बिल्कुल खुशबू, तो देखिए जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है और साथ ही आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की एक बैठक है आपातकालीन, जिसके चलते जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं भाजपा से बुलाना चाहूंगी रमेश सोनी को, शहर अध्यक्ष है। सर आप प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी आशीष सोनी, शहर अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, सर आप भी मंच पर आइए। और देखिए आज जो है बहस बीच बाजार में होने वाली है, आपके सवाल होंगे और इन जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे। 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया है अजमेर के विकास के लिए, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो ये जनता को देंगे। सर आपसे शुरुआत करूंगी, इन 5 सालों में अजमेर का विकास कहां देखते हैं, कितना आंकते हैं? देखिए 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव, मैं ये कह सकता हूँ केंद्र से लेकर चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, जब भी हमारी सरकार यहाँ पर रही 2018 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार, हमेशा से विकास को हमने प्राथमिकता बांधते हुए और साथ ही गरीब के कल्याण को, हमारी जो अंत्योदय की भावना है उसको लेकर के अंतिम समय पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है उसके कल्याण की भावना को रखते हुए हमेशा काम किया है। इसलिए बहुत से विकास के काम हमारे इस 5 सालों के अंदर हुए हैं। हमारे दोनों में बात कर सकता हूँ, अजमेर उत्तर के हमारे विधायक माननीय देवनानी साहब, चाहे दक्षिण की विधायक हमारी अनिता बधेल, जिन्हें की सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का खिताब इस कांग्रेस सरकार में मिला, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कितने अनुभवी हमारे दोनों विधायक है। और जिस प्रकार से विकास की बात करेंगे तो विकास की गंगा पिछले 5 सालों में बही है, चाहे हम आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, हम चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर लें, चाहे जो हमारा आधारभूत जो विकास के काम होते हैं, चाहे सड़कें नालियाँ बनना, एलिवेटेड रोड बनना, इस प्रकार के अनेकों काम लगातार 5 साल के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोनों विधायकों ने किए हैं। ऐसे में सर बीच में एक सवाल भी उठा था, अगर वासुदेव देवनानी की बात करें तो उनका विरोध भी कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, ऐसा क्यों? विरोध किस बात का विरोध? विरोध कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, केवल वो विरोध का माहौल बनाते हैं क्योंकि उनको सत्ता प्राप्ति माना है। उनकी छटपटाहट हम तो देख ही नहीं जाती क्योंकि पिछले लगातार 4 बार से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है, यहाँ पर हमारा विधायक हमेशा जीता है पिछले 4 बार से, इसलिए उनकी बेचैनी स्वाभाविक है और उस बेचैनी के चलते ही इस प्रकार का जो माहौल बनाने का एक प्रयास किया गया है। लेकिन मैं जानता हूँ अजमेर की जनता को हमेशा राष्ट्र धर्म की भावना को और विकास की भावना को बांधते हुए इस बार पुनः 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को विजय बना करके भेजे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर बात करते हैं तो बहुत ही कम समय में उभर कर सामने आई है और बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, और ऐसे में अजमेर में जो विकास हुआ उसमें आपका क्या योगदान रहा और इन पार्टियों के विकास को कितना आंकते हैं? पहले तो मैं कहूंगा हमारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो, और विकास की बात करें तो भाजपा के कार्यकाल में पार्थवे पास हुआ था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने की अनुमति दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने को तोड़ने के लिए वो दिखे दिया है। 20 साल पहले अजमेर शिक्षा में नंबर 1 आया करता था, आज शिक्षा में अजमेर नंबर 85 पर आ रहा है। तो शिक्षा की बात हो गई,
भूतपूर्व शिक्षा मंत्री दो बार रह चुके हैं अजमेर से, लेकिन आज यहाँ हालत बद से बदतर हो रखी है। और बात कर रहे हैं भाई साहब की निर्दलीयों की, तो इनके ही बागी पार्षद, भाजपा के पार्षद जो कि आज इनके खिलाफ लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं ये जनता को में रोष है, इनकी ही पार्टी में रोष है। वो कहते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इनके जो पार्षद हैं कितने कई भ्रष्ट भी हैं, जो ट्रेप हुए, पट्टा कांड ले लो अजमेर में फर्जी पट्टे पर, मतलब कि गरीबों को तो पट्टे मिले नहीं है, और खुद नहीं सरकारी जमीनों पर पट्टे बना के आज जिस पर अभी कार्रवाई भी चल रही है, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी अभी तक उस उन पार्षदों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो दोनों की मिली भगत है, 5 साल हम खाएंगे, 5 साल आप खाओगे, ये मिली भगत है। क्या लगता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, अगर स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम जो अजमेर का बिसलपुर का पानी है जो कि हमारा हक था अजमेर का, वो जयपुर में शिक्षा मंत्री थे हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव जी के राज्य में गया, कार्य में गया, उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने विधानसभा में एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हम जोर तोर से आवाज़ उठाएंगे। और जितने भी अजमेर में घोटाले करे हुए हैं, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, उनकी आवाज़ उठाएंगे और उनको कारागार के पीछे डालेंगे, क्योंकि ये अजमेर जनता का पैसा है, ये नेताओं का पैसा नहीं है, जनता का पैसा, आम जनता का पैसा है। सर क्या कहेंगे, विकास की बात अगर हम करते हैं तो विकास कागजों में नजर आ रहा है, स्थानीय जमीनी स्तर पर जो विकास है वो नजर नहीं आ रहा है? देखिए, इनकी बात का मैं क्या कहूँ, इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, तो जिस बच्चा जन्मा ही नहीं उसका नामकरण कैसे करें? जिन्होंने आज तक सत्ता का मुंह देखा ही नहीं, जो कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, अगर वो किसी बात का सवाल उठाएंगे तो हमें भी जवाब देते क्या बनेगा? सर जनप्रतिनिधि है ना, तो जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता की भावना का यदि मैं सम्मान करते हुए जवाब देना चाहूंगा तो मैं विकास के मुद्दे पर किसी भी बात पर, इन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में 85 नंबर पर, आप मुझे बताइए कहां आंकड़े में लिखा हुआ है? आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ पर अजमेर के अंदर मॉडल स्कूल, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक की देन है। आज हम प्रत्येक स्कूल के अंदर जो स्मार्ट क्लासेस, जो गरीब की बात करते हैं, उन गरीब को बच्चों को भी इसका अगर कंप्यूटर क्लास के पढ़ने की अगर कोई सौगात दिए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय देवनानी जी के कार्यकाल में हुई है। तो किस प्रकार की बात करेंगे आप ये बताइए। अगर मैं बात करूँ चिकित्सा क्षेत्र की, तो आज चिकित्सा क्षेत्र में हॉस्पिटल के अंदर, चाहे हमारा कार्डियोलॉजी हो, चाहे हमारा बच्चों का NICU हो, जिस प्रकार से वहाँ पर आयुषु की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। हाँ, तो विकास की बात आपने कर दी, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें बता दी, लेकिन अब मैं मेरी सहयोगी खुशबू से चाहूंगी कि वो जनता से पूछे कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल, देखिए कि हिमाद्री, सवालों जो सवाल यहाँ पर तीखे होंगे, सवाल लिए जाएंगे, लेकिन इस बीच जो देखिए कि बीजेपी के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जो है एक बात का मैं करेक्शन कर दूं। देखिए कि अजमेर में भले ही यहाँ पर देखा गया बीजेपी का दबदबा है, 5 सीट पर जीत देखने को मिली पिछली बार, लेकिन सरकार यहाँ पर अभी पूरे राज्य की बात करें तो कांग्रेस की है। खैर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, 5 साल का विकास कहाँ आप देख रहे हैं? जी, यहाँ पर क्या, वैसे तो कांग्रेस के प्रतिनिधि आने चाहिए था, मुख्य मुकाबला था उन दोनों में ही है, लेकिन फिर भी अगर RLP के आए हैं, लेकिन अगर RLP के प्रतिनिधि आए हैं तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नेशनल लेवल पर रोहिणी कमीशन का गठन हो चुका है। रोहिणी कमीशन के तहत 16% OBC के अंदर जो है रिजर्वेशन, जो अभी तक लाभ प्राप्त नहीं कर पाए, उनको मिलने वाला है क्या? क्योंकि इनका तो एक जाति की पार्टी है, क्या RLP वाले जो है वो सहन करेंगे क्या 28 में से 16, क्योंकि ये लो जी ने 6% दिया है, क्या ये सहन करेंगे या 16% उसमें से निकाल के दे दिया जाए? मैं OBC वर्ग से हूं, मैं जो है मोदी जी की बात का समर्थन करता हूं 16% जो है उसमें से निकाल के देने का। क्या RLP पार्टी 16% निकाल के देने का समर्थन, क्या ये अपने जो मुख्य वोट बैंक है जो एक जाति का, उसको नाराज करेगी क्या, एक बार बताएं? आप क्या कहना चाहते हैं, 5 साल में अजमेर का कितना विकास हुआ है? अजमेर के अंदर तो विधायक ने बहुत सारे काम करवाए विधायक कोष से, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात रही कि 5 साल के इस कांग्रेस के कुशासन के अंदर राजस्थान महिला अपराध के अंदर पहले नंबर पे आ गया, शिक्षित बेरोजगारी के मामले के अंदर पहले नंबर पे आ गया, इस पर अजमेर जैसे शांत प्रिय शहर के अंदर गोलीकांड के नाम से हमारा शहर प्रसिद्ध हो रहा है कांग्रेस के इस कुशासन के कारण। इस महाभ्रष्ट सरकार के अंदर हमारे RPSC जैसी अच्छी संस्था की छवि खराब होने का काम इस कांग्रेस के कुशासन के अंदर हुआ। सवाल लेते हैं, जवाब लेंगे, लेकिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कुछ देर में आने वाले हैं तो आपका जवाब उनसे लिया जाएगा। हाँ बेटा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं अजमेर में ऐसा हुआ, मैं कहता हूँ इनके विधायक थे आज 4 साल हो गए, 4 बार विधायक हैं, 20 साल हो गए, 20 साल, अरे लगातार 4 बार हो गए, 4 बार हो गए, 4 बार, 20 साल इनके हो गए, अजमेर रो रहा है, अजमेर रो रहा है, युवा भलक रहा है, प्यासा है, कहते हैं कि
हम विकास करते हैं। अजमेर में जो कांड हो रहे हैं उसके जिम्मेदार विधायक है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर महिलाओं से भी सवाल लिए जाएंगे। महिलाओं के विकास की कांग्रेस और बीजेपी दोनों बात कर रही है। महिलाओं का कितना विकास हुआ है अजमेर में? देखिए, महिलाओं का विकास तो पूरे राजस्थान में जो रेपिस्तान बना रखा है कांग्रेस सरकार ने, वो सबसे सामने है। और किस प्रकार इनकी खुद की ओसिया की एमएलए विधायक जो है वो खुद कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी सरकार के राज में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जिसके राज में इनकी खुद की एमएलए सुरक्षित नहीं है। महिला अजमेर में बीजेपी का दबदबा रहा तो कैसे पिछली बार? यहाँ पर कितनी सुरक्षित है महिलाएं? अजमेर में बीजेपी में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। आज हमारे विधायक नहीं होते ना तो शायद हम सुरक्षित नहीं होते हमारी कहीं भी। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखकर महिलाओं के साथ में अत्याचार कर रखा है, अगर वो कहीं भी अगर अपनी रिपोर्ट लेकर जाती है तो थानों पे महिलाओं की रिपोर्ट नहीं सुनी जाती क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। चलिए, यहाँ से किसी का कोई सवाल हो, कोई सवाल करना चाहता हूँ? ये विकास की बात करते हैं, विकास है आपको देखना, 20 साल पहले जो विकास पैदा हुआ था आज तक हमारे को दिखाई नहीं, विकास है का वो? क्योंकि आप देखिए 1050 करोड़ अजमेर स्मार्ट सिटी में आए थे। मैं माननीय विधायक महोदय अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बरेल जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने दक्षिण विधानसभा में कितना पैसा लगाया। आज ये देखिए, अभी जो भी जो तूफान आया था उसके बाद में ये एसके चैनल खुला गया था, सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो अजमेर की दक्षिण की जनता को भुगतना पड़ा, वहाँ पे लबालब हो गया था। आदमी को जो परिवार एक बार वक्त की रोटी निकाल सकता उनको पानी में बैठ के खाना खाना पड़ा, ऐसा विकास इन लोगों ने किया है। चलिए, इधर से भी सवाल उठ रहे हैं, एक एक करके सवाल का जवाब। सर, पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है पता है आपको? डाउनलोड हो रहे हैं अभी, कांग्रेस की शुरू से आदत है वो डाउनलोड करती है। अभी पिछले जब यहाँ पर सबके टिकट फाइनल हो गए कांग्रेस का, अंत तक डाउनलोड होता रहा उनकी, क्या अभी भी 2G चल रहा है, वो 4G 5G नहीं चल रहा। आपको बताना चाहता हूँ विकास, अब आप सबसे पहले शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा में इन्होंने क्या किया, 19 रीड के पेपर आरपीएससी का आउट हो गए। जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है, युवाओं को वादे किए हम आपको रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके पेपर तो आउट करवा रहे हैं। कम से कम आप देखिए, आरपीएससी के मेंबर वो घोटाले के अंदर है, जेल के अंदर उन पर सवाल चाहे, ये शिक्षा की बात करिए। आपका मुद्दा घोटाला है, ठीक है। इधर से एक एक करके सवाल, इधर से किसी का कोई सवाल हो, कोई करना चाहे? हम हैं निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान जी सारस्वत की तरफ से, जिनका चुनाव चिन्ह है सिटी। ये दोनों पार्टियां गोल गोल जनता को घुमाए जा रही है, कोई कहता है कि चौपाटी बनाओ, कोई कहता है चौपाटी तोड़ो, इनके दोनों के दोनों भ्रष्ट है। अब तो आरएलपी भी आ गई है। आरएलपी तो बेचारों को मिला ही नहीं मौका कभी, और ना मिलेगा मौका उनको कभी, है ना। ज्ञान जी सारस्वत एक ऐसा चेहरा है जो विधायक के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, जो जनता का विकास चाहता है, जनता की जीत चाहता है, जनता ने उन्हें टिकट दिलाया है और जनता की उम्मीद से वो खड़े हैं। मोदी जी की नीतियां अच्छी है पर मोदी जी के जो बनाए हुए विधायक है वो बेकार, वो निकम्मे है। मोदी जी का विरोध है, मोदी जी की नीतियों की तारीफ हो रही है। हिमाद्री, आपसे चाहूंगी, देखिए सवाल बहुत सारे हो गए हैं, एक एक करके पहले सवाल का जवाब लीजिए, फिर से जनता के बीच में जाऊंगी उसके बाद, और जनता के सवाल फिर से उठाए जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए सवालों का जवाब यहाँ पर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए कि लड़ाई विचारों की है, हाथ पैरों की नहीं। सर, सबसे पहले आपसे जवाब लूंगी, देखिए विरोध के स्वर तो आपके लिए भी कम नहीं है, आपने थोड़ी देर पहले विकास के बहुत दावे किए थे, लेकिन विरोध आपकी पार्टी का भी यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आपको? कहाँ विरोध दिख रहा है? जो निर्दलीय खड़े हुए, देखिए दो दल होते हैं और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय दल होते हैं वही उन्हीं की लड़ाई होती है। ये जो निर्दलीय होते हैं ये होते हैं दलदल, और दलदल में जो फंसा वो हमेशा मरा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, आज आपने ये बात आई कि भाजपा के बागी निर्दलीय का चुनाव लड़ रहे हैं। आपने यहाँ पर एक चीज का जिक्र किया, दल दलदल और निर्दलीय, लेकिन जब सत्ता में आना होता है तो निर्दलीय के पीछे तो आप भी जाते हैं। निर्दलीय मैंने कहा ना, आप मुझे बताओ निर्दलीय जीते कब है? केवल उनके आसपास का जो माहौल होता है कुछ वार्ड तक सीमित होते हैं। एक वार्ड का चुनाव लड़ना और एक विधानसभा चुनाव लड़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है और जनता बहुत अच्छे से समझती है। अजमेर की जनता पढ़ी लिखी है, सनातन और राष्ट्र धर्म को मानती है, जानती है, और वो हमेशा उसके पक्ष में मतदान करेगी। तो इस बार क्या सनातन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या विकास के मुद्दे? सनातन तो हमारा है ही है, साथ साथ विकास भी है। मैं बात करूंगा विकास की, यदि विकास की बात करूं उस देश के अंदर हमारी केंद्र सरकार की बात से लेकर के, तो आज जिस प्रकार का बजट विकास के ऊपर खर्च हो रहा है, इस देश की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, या अजमेर की बात करूं तो निश्चित रूप से, लेकिन सनातन हमारा धर्म है और उस धर्म संस्कृति का हम रक्षक है और उस भावना का वोट देंगे। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के नाते अगर मैं सरकार की बात करूँ तो हमने युवाओं की बात के मुद्दे को उठाया। इन्होंने कहा था
कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा 18 बार पेपर लीक हुए, युवाओं के सपना चकचूर हुए, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रोजाना 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। अजमेर की बात करूं, अब तक 13,399 आपराधिक मुकदमे दर्ज है और थानों में पेंडिंग पड़े हैं। क्या कार्रवाई की इनकी सरकार ने? इनकी सरकार बिल्कुल नकारा, निकम्मी और फेल्योर है। ये बताइए पहले तो मैं कि अजमेर की हम बात करते हैं, कई सारी उंगलियां आपकी भी तरफ उठी, आपने अगर एक उंगली उठाई तो 3 आपकी तरफ हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं बड़े भाई साहब को जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद ने माना हमारे पास खोने को कुछ नहीं पाने को कुछ है, तो मेरे कहने का इनका तात्पर्य था कि आप अपनी सीट बचाइए पहले, कि हम तो हमारे लड़ रहे हैं, आप अपने पहले उत्तर विधानसभा के विधायक को बचाइए। पिछले 20 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं, तो आज 5वीं बार अगर विधायक बनना जा रहे हैं तो उनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जनता मानती है ना, आपको जनता ने चुन रखा ना, तो आप विकास, आप क्यों दौड़ रहे हो रोड पर, क्यों जनप्रतिनिधि, किस बस्तियों में जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं इनकी हार की बौखलाहट है। फिर बात करूंगा ज्ञान जी की, मैं ज्ञानचंद शाहजो जी के जो लड़के ने बोला कि RLP कुछ नहीं है, तो मैं इनको कहना चाहूंगा ज्ञानचंद जी सारस्वत को कि इन्होंने लाल समय लेके आज चार पिछले 20 सालों से ये भी पार्टी में है, पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक विधायक पद के लिए पार्टी को धोखा दिया, तो इससे बड़ा लालची आदमी भी इस देश में नहीं रहेगा, इस पार्टी में रहेगा। 3 तारीख को पेटी खुलेगी जब बताएगा, और राजस्थान की सरकार बताएगी, राजस्थान की जनता बताएगी कि 3 दिसंबर को क्या होता है और किसके बहुमत, मतलब कि किसका पूर्ण बहुमत मिलता है और किसके योग्य से सरकार बनती है। देखिए तो 3 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि किसकी सरकार बनती है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी स्थानीय मुद्दों पर बात करें। खुशबू एक बार जनता से पूछिए कि इनके मुख्य स्थानीय मुद्दे क्या और वोट देने जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा। बिल्कुल हिमाद्री, यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी आप सुन रहे हैं कि कितने तीखे सवाल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए आपसे तो पूछा मैंने, यहाँ पर और बताइए किसके क्या मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी परिवर्तन चाहती है और बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता और पदाधिकारी ज्ञान जी से जुड़ रहे हैं और जुड़ने भी हैं। ये 36 साखला खड़े हैं, इन्होंने देवनानी के आस्था के खिलाफ आवाज उठाई है नगर निगम में। आप अपने मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या रहेंगे? परिवर्तन, चेहरा परिवर्तन चाहिए। आपका मुद्दा परिवर्तन, आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले आपके? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे भाई साहब कह ज्ञान जी तो कहीं टक्कर में है ही नहीं, कांग्रेस टक्कर में है। और मैं कांग्रेस वालों को ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 साल में जो गुंडागर्दी मचाई है, चाहे अजमेर उत्तर हो चाहे राजस्थान हो, हाल बेहाल कर दिए हर जगह। मान लीजिए हमारे जो सीवरेज का काम हुआ, 156 करोड़ का काम हुआ, और वो कांग्रेस के अधिकारी मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके वो सीवरेज के पैसे खा गए, वो आज हाल बेहाल है। मुद्दा बताइए, मुद्दा क्या है? ये कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर पानी के लिए जो केंद्र से पैसा आया था वो रोक लिया, और उनके पास फ्री का मोबाइल बांटने के लिए, नकली मिर्ची बांटने के लिए पैसा था, लेकिन यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने केंद्र का पैसा भी 186 करोड़ जो मोदी जी ने दिया था वो भी रोक के रखा। पानी एक मुद्दा रहेगा यहाँ पर। एक मिनट को बताना चाहता हूँ, बीजेपी के इतने कह रहे हैं विकास की बात करते हैं, जी नाला सागर की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1500 करोड़ में पास हुए थे, देवनानी और नीता बदन मिलकर दोनों ने ऐसा कारनामा किया, पूरा सीवरेज का पानी आना सागर झील के अंदर डाल दिया और आना सागर झील को छोटा कर दिया। पता नहीं क्यों छोटा किया, कि इनके भामाशाह इनके दानदादों को बचाने के लिए छोटा किया गया। मुद्दा यह है कि जन कल्याण योजना अशोक गहलोत ने दी है वो काम कर रही है, और इस बार 20 साल का जो कुशासन खत्म होगा वो कांग्रेस का परचम ले रहेगा। आपका मुद्दा क्या रहेगा? मैडम पहली बात तो मैं भारतीय दीदी की बात का जवाब देता हूँ, इन्होंने एक आप मुद्दा बताइए उनका जवाब जनप्रतिनिधि देंगे, मुद्दा बताइए जनप्रतिनिधि जवाब देंगे। मैं ही बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं राजस्थान रेप हो रहे हैं, इनका ब्रजभूषण कुलदीप संगर चिन्मयानंद स्वामी बलात्कारी है, इनको फांसी नहीं दी गई। सेकंड, जिसने अजमेर का बेचा बिजली और पानी वो है वासुदेव देवनानी। आज वासुदेव देवनानी ने हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत गोद लिया, वो गोद में मर गया, न पानी है न बिजली है न सड़क है। और हमारे प्रत्याशी जो हमारे रमेश जी भाई साहब है, इनके वार्ड में खुद वार्ड पानी में डूबा हुआ था, महावीर कॉलोनी हमारा वैश्य समाज पानी में डूबा हुआ था। ये पार्षद है, ये एक बार भी नहीं आया, देखने तक नहीं आए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या? आपसे सवाल लिया जाएगा, ये सवाल ध्यान से रखिएगा, किसका क्या मुद्दा बताइए। मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं है, कार्यकर्ता को जवाब देना पड़ रहा है, इधर जनता की बात सुनी जाएगी। दूसरी बात है RLP की, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं पर पाने के लिए विधायक बेचते हैं। आम आदमी पार्टी ने इन पर आरोप लगाया,
एक विधायक खरीदने में नंबर वन, यहाँ पे युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा। 18 पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई, उनको 18 पेपर लीक करके अपने ही घर के लोगों को उन्होंने आरएस में भर्ती करवाया, उनको पेपरों को बेचकर युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको जवाब देना होगा सवाल, आपने सुन लिया, मुद्दा बताइए। मेरा क्वेश्चन है कांग्रेस सरकार से है कि 200 करोड़ रुपए जारी हुए थे मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन पैसों के अभाव के कारण मेडिकल कॉलेज का काम बंद पड़ा है। राजस्थान सरकार कह रही है कि पैसे नहीं है, तो इसका मतलब जब काम पैसे नहीं है तो काम स्टार्ट क्यों किया? आज मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा है पैसों के अभाव में। ये राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में एक नंबर है, इसके कारण पैसे नहीं है। 4.5 साल होटलों में सरकार भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं। पूरा ट्रांसपोर्ट के नाम पे लाखों रुपए लोगों से लिया, हर डिपार्टमेंट को कर्मचारियों को साल में 2 बार ट्रांसफर होता है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ पूरे भारत में कि हर व्यक्ति कर्मचारी को साल में एक जगह से दूसरी जगह 2 बार साल में, और पूरे 4 साल में 8 बार ट्रांसफर हुए कर्मचारियों की। इससे दुर्भाग्यपूर्ण पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। आपका भ्रष्टाचार का आरोप, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या मुद्दे? इनसे पूछो कि अजमेर के सरकारी स्कूल का क्या हाल है, इनके कितने बच्चे, इनके कौन से बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं? सुनो इनके किनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इनसे पूछो। वहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए दरी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, उसके पास सबके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का हाल तगड़ा, जबकि 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनके भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं इनके भी, लेकिन सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों का हाल बहुत खराब है, घूघरी बांटते। शिक्षा मुद्दा आपका क्या मुद्दा है? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जगत गुरु ब्रह्मा की भूमि है, और यहाँ पे हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होने देंगे। जरनेश्वर से महादेव की यात्रा नहीं निकाल ली दी गई, अति प्राचीन हाथीखेड़ा में निकले शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया, और ये बात कर रहे शिक्षा के स्थानों का, तो वो अजमेर जहाँ पे सांता क्लॉज की बच्चे घुमा करते थे, वहाँ पे आज गायत्री वाचन किया जाता है। ये किया है शिक्षा मंत्री राजस्थान के लिए। ये आप सुन